जरूरी होता है याद रखना, क्योंकि देखें जब भी एज हमारे लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था, कोई भी आपके सामने सिचुएशन आ जाए, अगर आप वही वही चीज को, इफ यू आर हैंडलिंग इन ए गुड स्टेट एंड इफ यू आर हैंडलिंग इन एन एवरेज स्टेट, तो वो एकदम चेंज हो जाती है। चाहे आप बच्चों का ही ले लें, बच्चे आते हैं आपके पास कोई प्रॉब्लम से, अगर आप उनके साथ अच्छे से डील करते हैं और आप स्टेट में अच्छे होते हैं, तो यू विल बी एबल टू गिव देम सोल्यूशन, है ना। आप उनको सोच के समझ के बोल सकते हैं कि ऐसा नहीं वैसा करना है, ऐसा ऐसा क्यों नहीं कर सकते करके, यू विल बिकम ए प्रॉब्लम सॉल्वर अलॉन्ग विद देम। वही अगर हमारा स्टेट डाउन होता है तो हम क्या करते हैं, हम उनके ऊपर चिल्ला देते हैं, विल नॉट बी एबल टू थिंक स्ट्रैटेजिकली एंड विद दैट काइंड ऑफ माइंड फ्रेम ऑफ माइंड, जब हम अगर अपने अच्छे स्टेट में होते हैं तो कोई भी सिचुएशन ले लो। ये तो मैंने एक छोटी एग्जाम्पल दी आप लोगों को, आप कोई भी सिचुएशन ले लो, व्हाट विल हैपन इज जब हम अच्छे स्टेट में होते हैं तो वी विल बी एबल टू अप्रोच इट इन ए वेरी डिफरेंट वे।